मैंने क्या किया? वो क्या किया? वो तेरे बाप की सड़क है, सीधी साइकिल ला कर ठोक दिया। भाई गलती भी आपकी और बदमाशी भी मेरे साथ ही यार। बदमाशी? वो निकालो तेरी बदमाशी। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये और इस तरह के कई दूसरे वाकया हमारे शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर देखने को मिलते हैं, मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है इससे हमारे माशरे की बेहिसी सामने आती है। कोई किसी को नाजायज तंग कर रहा हो, कहीं जुर्म हो रहा हो, कोई लुट रहा हो, या फिर किसी की जिंदगी ही दाव पर क्यों ना लगी हो, कहीं भी कोई भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं। कुछ ऐसा ही इस गरीब फैक्ट्री वर्कर के साथ भी हुआ। ये शख्स कौन है जो रास्ते पर पड़ा इस तरह मदद के लिए पुकार रहा है? अम्मी आज फीस देनी है, आज आखिरी दिन है। बेटा कहा तो है तुम्हारे बाप से, मुझे तो लगता है कि इनके पास पैसे ही नहीं है। अम्मी मैं क्या कहूँ टीचर से? मेरे बच्चे दो दिन सबर कर लो, मैं करती हूँ तुम्हारे बाप से बात। चल जल्दी जल्दी करो, शाबाश, निकलो निकलो, बहुत देर हो गई। ऐसे कब तक चलेगा? जब तक जिंदगी है। बताओ मैं क्या करूं? घर का खर्चा चलाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? है तो पूरी कर रहा हूँ, और क्या करूं? खुर्रम, एक एक चीज के लिए तुम्हें बार बार कहना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देख नुसरत, जो कमाता हूँ ना वो लाके तुझे देता हूँ, और मैं क्या करूँ? खुर्रम मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, लेकिन मुझे भी तो बताओ ना मैं कहाँ जाऊं। आई फैक्ट्री से एडवांस मांगता हूँ, दुआ करो। अरे खाना नहीं लेके जाओगे क्या? तैयार है तो दे दो। परेशान? नहीं बस वैसे ही। नुसरत थोड़ी सी तकलीफ है, बर्दाश्त कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। सलाम अलैकुम। अस्सलाम, क्या है? हाँ भी खुर्रम, फिर क्या सोचा? और यार 1500 किराया बड़ा थोड़ा है। और यार 2-4 महीने तक किराया बढ़ा देंगे, बाल बच्चों वाली फैमिली है ना। चल तू मुझे 1-2 दिन दे, मैं तुझे बताता हूँ। ओ देख, तेरे से तो कमीशन भी नहीं लूंगा, जा छोड़ तुझे मैं भी। अच्छा तूने कमरा तो देखा है ना, उसमें फैमिली कैसे रहेगी? तो ये उनका मसला है, तू इस बात की टेंशन ना ले, बस अंदर एक बाथरूम बनवाना पड़ेगा। यार मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कमरा किराए पे देता। और मेरी जान इसका भी कुछ करते हैं, तू सोच ले, ठीक है? चल ठीक है। चलो ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ।
एक गरीब फैक्ट्री वर्कर को अपनी घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने ऐसी मुश्किलात का सामना किया। उस रोज खुर्रम अपने बच्चों की इम्तहानी फीस जमा कराने के लिए एडवांस की दरख्वास्त लेकर फैक्ट्री सुपरवाइजर के पास पहुंचा। लेकिन वो कहते हैं ना, पैसा जिसके पास हो उसी का होता है, वो दे या ना दे। साहब, धागे की क्वालिटी पहले जैसी नहीं। साहिब साहब, ये वही माल है जो मैं पहले सप्लाई करता था। पहले कभी शिकायत की आपसे? हाँ, शिकायतों ने की, लेकिन साहिब साहब आप हुक्म करें। देखिए, मैंने मालकों को भिजवा देना होता। ये तो है, अब मैं जब भी आपके पास आऊंगा तो इससे बहुत बेहतर माल लेके आऊंगा। सर जी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर वो कोई बात नहीं, मुर्तजा अपना ही आदमी है, बोलो। सर 5,000 रुपये एडवांस चाहिए था, मैंने बच्चों की फीस अदा करनी है। सर मेरी जान, मालकन मुझसे बाहर है, कौन देगा एडवांस? सर मुझे ज़रूरत है सर। चलो काम करो, शाम को देखते हैं। चलो भाई साहब, काफ़ी परेशान लग रहा है सर, आप इसके मसले का हल करा ही दें। मैं कहाँ से करा दूँ? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ करूं इसके लिए। हाँ कर दो यार, नेकी है। ठीक है। गुरम नाम है ना तुम्हारा? जी सर। बैठो बैठो, ऐसा करो कि मुझे अपने घर का पता दे दो, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। खैरियत तो है सर? अरे हाँ हाँ, सब खैरियत ही है। तुमने जाहिद साहब को एडवांस कहा था ना, तो क्या वो नहीं चाहिए अब? जी सर, मैंने जाहिद साहब से बात की है, शाम तक तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम एड्रेस बताओ अब। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी। सर आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मुर्तजा नाम है मेरा, इस फैक्ट्री में धागा सप्लाई करता हूँ। तो सर आप रात को कितने बजे आएंगे? यही कोई 8-8:30 बजे। सर बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह आपको इसका अजर देगा सर। तुम परेशान ना हो, बेफिक्र हो, जो काम करो मैंने। अब खुश हो तुम? मुस्कुरा तो नहीं? नहीं सर, बड़ी मेहरबानी सर, खुदा की कसम में बड़ा परेशान था सर। कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा करेगा, बट काम करो। थैंक यू सर। ये मेरा बेटा और ये दो बेटियां, और ये मेरी बीवी। कैसी हैं आप भाभी? भाई हो सकता है कि हमारा कमरा मुर्तजा ले ले, इब्रार से तो अच्छा ही किराया मिल जाएगा ना उससे। यार उनका एक कमरा है खाली, किराए पे ले लेना, स्टोर बना लेना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और अपने फैक्ट्री सुपरवाइजर की बातें सुनने के बाद खुर्रम को ऐसा लगा जैसे इस दुनिया से अभी नेकी और नेक लोग खत्म नहीं हुए। उसे लगा कि ये फरिश्ते से कम नहीं हैं जो इस मुश्किल वक्त में उसका सहारा बन रहे। उस वक्त उसके दिल से उनके लिए बेशुमार दुआएं निकली। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बीवी को बताई और फिर यूं शुरू हुआ उस मोहसिन का इंतजार जिसने
घर आना। भाई कब कहा था उसने आने का? 8 बजे का कहा था। क्यों, खैरियत तो है? कब से चूल्हे पे चाय रखी हुई? मेरा ख्याल 8 तो बज गए, पता नहीं अभी क्यों नहीं आए। बाहर दरवाजा बजा, मैं देखता हूँ कौन। लगता है मुझे कि वही होंगे। अच्छा तू दुपट्टा ले। अहमद अपने पांव सही करके बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे खुरम। बच्चों अंकल को आके सलाम करो। वालेकुम सलाम। शाबाश। सर ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये मेरा बेटा और ये दो बेटे और ये मेरी बीवी। कैसी हैं आप भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुरम ने आपके बारे में बताया था, तब से ही हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं जी। ये तो बस खुरम की मेहरबानी है, किसने मुझे आप लोगों से मिलवा दिया। नुसरत जाओ जाके चाय पानी। हाँ मैं भी चाय लेके आती हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, और आपका ये छोटा भाई? ये 8वीं क्लास में पढ़ता है। अच्छा जी, और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 3वीं क्लास में पढ़ती हूँ। वेरी गुड, शाबाश। खुरम तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख गए ना, तो समझो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलो बेटा अंदर जाओ। चलो शाबाश। एक मिनट रुको बेटा, ये लो कुछ चीज खा लेना। अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल। ये ले चाय। ये लो खुरम, 5,000 की जरूरत थी ना तुम्हें। जी जी, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं सर? अरे ऐसी फजूल बातें नहीं करते, आगे भी जरूरत पड़े तो बता देना मुझे। ये एहसान कम है क्या आपका? आप बहुत खुश नसीब हैं भाभी, आप कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मुझे देखें, मैं अभी तक कंवारा छड़ा चाक, नागे कोई ना पीछे कोई। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। खुरम और उसकी बीवी अपनी माली जरूरत पूरी होने पर बहुत ही खुश थे। गुर्बत के हाथों तंग इस घराने के लिए 5,000 रुपए की रकम बहुत थी। इस बात को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन खुरम की बीवी ने उसे एक मशवरा दिया। फिर मुलाकात नहीं हुई उससे? किससे? मुर्तजा से। और किससे? नजर नहीं आया। वो रहते कहां पर हैं? मैंने कभी पूछा नहीं और ना ही उसने कभी मुझे बताया। एक बात कहूँ? बोलो। वो इब्रार तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ ना अपना कमरा किराए पर लेने के लिए? हाँ पर मैं दे नहीं रहा ना, वो कहता है कि 4 बच्चे और मियाँ बीवी है। और किराया कितना? 1500। अरे दफा करो, इतना बड़ा टब्बर और 1500 रुपए किराया। वैसे खुर्रम एक काम हो सकता है। बोलो। मेरे सर पर बड़ा दर्द हो रहा है, तुम जाओ दूध लेके आओ, अच्छी सी चाय बनाती हूँ। मैं ला देता हूँ। चाय भी पियेंगे और फिर बताती हूँ तुम्हें मैं, ठीक है? लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आधा किलो दूध का पैकेट। आधा किलो? हाँ भी खुरम, फिर क्या सोचा तुमने, बताया नहीं? और यार अभी फिलहाल नहीं देना किराए पर, जब देना होगा मैं तुझे बता दूंगा।
अगर मेरे अलावा किसी और को कमरा किराए पर दिया ना तो बहुत पछताएगा। अच्छा अच्छा यार अच्छा। रास्ते में अबरार मिल गया था, बकबक कर रहा था। मैंने साफ कह दिया कमरा देना ही नहीं किराए पे। और मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? ठीक चल रही है अब्बू, अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अरे मैं कह रही थी कि तुम मुर्तजा से बात कर लो। किस बारे में? भाई हो सकता है कि हमारा कमरा मुर्तजा ले ले, इब्रार से तो अच्छा ही किराया मिल जाएगा ना उससे। बात तो वैसे तेरी समझ में आ रही है। शुक्र है मेरी कोई बात तो तुम्हारी समझ में आई। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ चलो बच्चों की फीस और घर के बिल निकल आएंगे। ठीक कह रहे हो। कब बात करोगे उससे? कल सुपरवाइजर से बात करके देखता हूँ, देखो क्या कहते हैं। उन्होंने ही मिलवाया था ना तुम्हें उससे? उसने मिलवाया था मुझे, लेकिन बहुत अच्छा इंसान। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे हमेशा बहुत खुश रखे। चलो तुम बैठो अब, मैं चाय लेके आती हूँ। अगले रोज खुर्रम अपने फैक्ट्री सुपरवाइजर जाहिद के पास अपने घर का एक कमरा मुर्तजा को किराए पर देने की बात लेकर पहुंचा, जिसे सुनकर फैक्ट्री सुपरवाइजर जाहिद ने हामी भर ली कि वो मुर्तजा से बात जरूर करेगा। मगर अब देखना यह है कि क्या मुर्तजा इस बात की हामी भरेगा या फिर इनकार कर देगा। इसका पता उस वक्त चला जब मुर्तजा जाहिद के बुलवाने पर फैक्ट्री आया। नेकी की है कुरम के साथ, वो और उसके घर वाले तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं दाई साहब। बात है तो क्या रहा ना, हाँ एक दरख्वास्त भी करनी है आपसे। अरे जनाब आप ऑर्डर करें। यार उनका एक कमरा है खाली, किराए पे ले लेना, स्टोर बना लेना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। ठीक है दाई साहब, जैसे आपका हुक्म, हम दावेदार हैं। थैंक यू। खुर्रम इधर आओ, बात सुनो। मुबारक हो, मुर्तजा से मेरी बात हो गई है, बाकी बात खुद कर लो। मुर्तजा को अपने घर का कमरा किराए पर दिया तो उसके हालात धीरे धीरे बदलना शुरू हो गए। और मुर्तजा ने जब खुर्रम के घर की गुर्बत को देखा तो अपने कारोबार में उसका हिस्सा डाल लिया और उसके हिस्से का मुनाफा बाकायदगी से उसे देता रहा। यूं महीनों में खुर्रम के घर के हालात काफी हद तक बदल गए, मगर मोहल्ले वालों को शायद ये सब कुछ देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जहां मौशरा और मौशरती इखलाकियात पस्त हो जाएं, वहां किसी को खाता पीता भला कौन देख सकता है। वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा, एक ठंडी बोतल तो पिला। ओ कैसे हो बरार भाई, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। काम धंधे कोई नहीं चाचा, चक्कर कैसे लगाता? जब से तुम्हारे दोस्त कुरम ने कमरा किराए पे दिया वो उसके तो हालात ही बदल गए हैं। उसने मुझे इनकार किया है ना, अब देखना उसका क्या हाल करता हूँ मैं। वो बंदा कौन है जो उन पर इतना मेहरबान है? चाचा किसी फैक्ट्री में सप्लायर है, धागा सप्लाई करता हूँ। जो भी है बंदा खाता पीता है, छड़ा छांड लगता है। चाचा दफा कर, एक ठंडी बोतल पिला दे। अच्छा
इसका मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? अभी एक घंटा पहले तो वो फैक्ट्री से गया है। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, पूरा घर संभाला हुआ है। आपको पता है मैं जो भी कर रहा हूँ निकी के लिए कर रहा हूँ। और अंदर कोई ना कोई टेंशन है जरूर। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं सर। उन्हें अंदर भेजो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। श्री बैठे। ये आपकी फैक्ट्री का वर्कर है? जी जी बिल्कुल, खैरियत तो है। इसका मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? अभी एक घंटा पहले तो वो फैक्ट्री से गया है। एनी शाहिदीन का बताना है कि मोटरसाइकिल सवारों के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने गोलियां मारी हैं उसे। ये बताएं कि कोई अता पता या इसका कोई टेलीफोन नंबर है, इसके घर वालों को इतला दी जाए। ना उसके पास मोबाइल था ना उसके घर वालों के पास। हाँ, उसके किराएदार का नंबर है मेरे पास, उससे बात हो सकती है। जी जी बिल्कुल, मैं कराता हूँ। हेलो मुर्जा भाई, आप कहाँ हो? घर पर? जी जी बात करें। आप कौन? मुर्जा साहब, आप किराएदार हैं? खुर्रम के घर इतला दे दीजिए, उसका मर्डर हो गया है। अपना और मुर्जा का नंबर इसमें लिख दीजिए। मुर्तजा ने जैसे ही खुर्रम के घर उसकी बीवी को इत्तला पहुंचाई, इस घर में कोहराम मच गया। इस घर का सरबरा दुनिया से चला गया था। इंतहाई हैरत की बात है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना कोई कारोबार की लेन देन का मसला। राह चलते हुए किसी ने छोटी सी बात पर उसे कत्ल कर दिया। आखिर कत्ल करने वाले को उससे क्या फायदा मिला? ये सवाल इंतहाई अहम है। पुलिस ने इस सवाल पर भी काम किया और साथ ही पुलिस को जाए वकुआ पर एक मोबाइल सिम भी मिली। ये सिम किसकी थी पुलिस ने पता लगवाया। सर ये सिम रिकॉर्ड आ गए। नवाज, ये नवाज कौन है? सर इसी की नाम पर सिम है। बिल्कुल, कसूर शहर का रिहायशी है। जी हाँ। वो सर नंबर्स दिखाना जो मैंने तुम्हें दिए थे। सर ये रहे वो नंबर। अब कैसी है तबीयत खुर्रम की घर वाले की? ठीक नहीं है जी, अंदर लेटी हुई है। और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। बच्चे बेचारे परेशान हैं, वो भी अंदर ही कमरे में है। इसे लाश कब तक मिल जाएगी? शाम तक मिल जाएगी शायद। हेलो,
हाँ आ गए, चलो ठीक है मैं आता हूँ। लड़का है जी खाना ले। मैं मेरे साथ है पर खाने के साथ तो नहीं होनी चाहिए ना। ये लो मेरे बेटा खाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं खाना, चले जाओ यहाँ से। खैरियत है ना? जी जी खैरियत ही है। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, पूरा घर संभाला हुआ है। वैसे आपको पता है मैं जो भी कर रहा हूँ निकी के लिए कर रहा हूँ। कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मुझे लाहौर के नहीं लगते तुम। सही कहा जी आपने, मेरा कसूर के पास गांव है, वहां रहता हूँ। अच्छा फिर मुझे मिलने वाले सिम पर मुर्तजा ने कॉल्स क्यों की? हो सकता है सर ये दोनों आपस में रिश्तेदार हों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो भाई। और ये बताओ कोई इतला भी है या नहीं है? सर आप ऑर्डर लगाएं और कोई इतला ना हो ये कैसे हो सकता है? और ये मुर्तजा कहाँ का रहने वाला है? वहीं का जहाँ का नवाज है, जिला कसूर का। खुरम के घर के हालात कैसे हैं? मजे में सर जी, खाना पीना बाहर से आता है और अंदर कोई ना कोई टेंशन है जरूर। अच्छा चलो देख लेते हैं, पहले नवाज को तो काबू कर ले फिर सबको देख लूंगा। पुलिस ने जाय बकुआ से मिलने वाली मोबाइल सिम के मालिक नवाज को काबू किया। जब उससे तफ्तीश का आगाज किया गया तो उसने बताया कि खुरम का कत्ल उसने ही किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने आलाए कत्ल भी बरामद करवाया। मजीद तफ्तीश में उसने यह भी बताया कि यह कत्ल महज इत्तफाकिया नहीं था बल्कि उसके अपने गांव के रिहायशी मुर्तजा के कहने पर उसने कत्ल किया था। अगर इस बात में हकीकत है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मुर्तजा की खुरम के साथ दुश्मनी क्या थी? इस बात का पता उस वक्त चला जब पुलिस ने मुर्तजा को थाने बुलवाया। इतनी बड़ी गेम खेलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसे मेरे और नुसरत के तालुकात के बारे में सब पता चल चुका था। तो सीधी तरह कह देते वो अपनी बीवी को तलाक देते और तुम उससे शादी कर लेते। उसने कभी नहीं माना था। कत्ल क्यों करवाया उसे? सर, दो दिन पहले उसने मेरे और नुसरत के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। नुसरत
नुसरत बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं होगा वरना। नुसरत, उसने इसी पर बस नहीं की थी, सारे मोहल्ले को बुलाने की धमकी दी थी। धमकी ना देता तो तुम्हें ताज पहनाता वो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जब जब नुसरत बाहर निकली तो उसने मुझे पकड़ लिया। नुसरत, ये इज्जत की तुमने मेरी, इसलिए मुझ पर मेहरबानी कर रहा था तू। घर में जवान बेटी है मेरी, बच्चे क्या सोचेंगे, इनकी भी शर्म लाई तुझे। मुझे शर्म मत दिलाओ, अपनी बेबी को संभालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं देख लूंगा उससे मैं देख लूंगा। सिर्फ दो दिन है तेरे पास, अपना सामान उठा और यहां से चला जा, नहीं तो मैं तेरा मुंह काला करके ना गधे पे बिठा के घुमाऊंगा कभी ना। हवलदार सर, तुम ऐसा करो, तुम जाके नुसरत को भी ले जाओ। ओके सर। और सुनो। जी सर। साथ लेडी पुलिस भी ले जाना। ओके सर। और इनको भी अंदर डालो, बाकी बाद में देख लेंगे। खुर्रम का कातिल और उसे कत्ल करवाने वाला, दोनों अफराद पकड़े गए, उन्हें सजा भी हो जाएगी। लेकिन नुसरत और खुर्रम के तीनों बच्चे जो दारुल अमान पहुंच गए, वो एक ही सवाल पूछते, आखिर उनका क्या कसूर, उन्हें किस बात की सजा मिली, आखिर कौन है जिसने उन्हें घर से बेघर कर दिया, वो कौन है जो उनके वालिद के कत्ल का जिम्मेदार है। इसका फैसला आप करेंगे कि खुर्रम के कत्ल का असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहे, बोलिए, क्योंकि याद रखिए, किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें बताइए, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें, या फिर जुर्म की हर दास्तान जानने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/gunahgar-kaun। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।